ओके सो हमारा ये चैप्टर है काउंटिंग से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड और उनके प्लेसेस से, कि यूनिट प्लेस कौन सा होता है, 10 प्लेस कौन सा, 100 लाइकवाइज। सो ये एक एबकस है जिसका ये प्लेस रिप्रेजेंट करता है यूनिट प्लेस को, ये टेंस प्लेस को, ये हंड्रेड और ये थाउजेंड। अब यहाँ पर सिर्फ एक बार है, एक ये है और ये तीनों मिसिंग है। इसका मतलब ये वन है थाउजेंड प्लेस पे, ये जीरो जीरो जीरो, तो जो आपका नंबर बनेगा यहाँ से वो होगा 1000 विच इज़ 1000। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थाउजेंड्स वाले में दो हैं तो ये 2000, हंड्रेड में 1 2 3 4 5 तो 500, टेंस में 1 2 3 तो 3 tens और यूनिट में 1 2 3 4 5 6 6 tens। तो जो आपका नंबर होगा वो बनेगा 2536 विच इज़ 2536। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है, पहली सॉल्व है कि इसका वन यूनिट प्लेस था तो वन हमने लिख दिया, टेन प्लेस पे टू है तो टू थ्री एंड वन। तो हम सेकंड करते हैं, इसके यूनिट प्लेस पे थ्री है तो थ्री, टेंस पे वन तो वन, और हंड्रेड्स पे टू, थाउजेंड्स पे थ्री। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 3213। और हम रैंडमली कोई और कर लेते हैं, लेट्स से ये करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूनिट्स पे थ्री हैं तो थ्री, 1 2 3 4 5 फाइव टेंस हैं तो फाइव, हंड्रेड्स पे टू, और 1 2 3 4 5 6 सिक्स, थाउजेंड्स पे सिक्स। तो जो नंबर है वो आपका बनेगा 6253। लेट्स से लास्ट ये कर लेते हैं जिसमें सारे प्लेसेस पे टू टू है तो ये आपका होगा 2222। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। सो ये आपके एक एग्जाम्पल की हुई है 2115। सेकेंड हम देखते हैं 1981। तो 1000 प्लेस पे 1 आएगा, 100 प्लेस पे 9 आएगा और लास्ट में 81। फोर देखें 8001। तो यूनिट पे 1 है और 1000 प्लेस पे 8 है और बीच में कुछ नहीं, तो दैट इज 00 8001। सो राइट द प्लेस वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू बतानी है नंबर्स में किसी भी डिजिट की। तो ये नंबर है 3536, इसमें आपको 5 ही प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये आपका होता है यूनिट, ये होता है टेंस, ये होता है हंड्रेड्स, ये होता है थाउजेंड। तो आप देख सकते हैं 500s पे पड़ा हुआ, तो दैट इज़ 500 हंड्रेड्स वैल्यू पे पड़ा हुआ। 3 यूनिट है तो 3 इटसेल्फ 3 ही आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9000 की वैल्यू पे पड़ोगे तो ये हो जाएगा 9000।